जयप्रदा नाटा के विरुद्ध थाना कैमरी पर NCR नंबर 37/2019 धारा 171G IPC का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसका ट्रायल माननीय विशेष न्याय मजिस्ट्रेट MP MLA कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल रामपुर के वहां चल रही थी। पत्रावली आज जजमेंट में नियत थी। माननीय न्यायालय के द्वारा आज अभियुक्ता जयप्रदा नाटा को दोषमुक्त किया गया है। कैमरी में था ना? हाँ, कैमरी में था, दोषमुक्त हुई है आज। क्या था इसमें मामला? इसमें जब 2019 में लोकसभा का प्रत्याशी थी तो इन्होंने एक भाषण दिया था पपलिया खास गांव में कि मायावती जी आप आ रही हैं, आपका सम्मान है, अब यहाँ आइए तो आजम खां हमारा असली फोटो दिखाते हैं, आप आइएगा तो बच के रहिएगा, आजम खां की नजरें कहाँ कहाँ जाएंगी पता नहीं है। बस ये भाषण था। इस पे जो है 171G का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था तत्कालीन वीडियो निगरानी टीम प्रभारी कुलदीप भटनागर के द्वारा, उसकी ट्रायल हुई थी। आज क्या हुआ इस मामले में? बरी हो गई। आज दोष मुक्त हो गया, निर्णय आ गया और माननीय न्यायालय ने अभियुक्ता को दोष मुक्त किया है। हाँ, भाईजत बरी हुई है। माननीय अदालत को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, उन्होंने समझा कि मैंने कोई ऐसे गलती नहीं किया है, सोच विचार के बाद ही आज ये मेरे लिए माननीय अदालत ने मुझे रिहा किया है। इस बात पे मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं शुरू से कह रही थी कि मैं इस रामपुर के 2 बार सांसद रही, कभी ऐसे गलत बात या किसी के टिप्पणी में मैं कभी गलती नहीं करती हूँ। कि आज मेरे साथ जो है अब्बास जी हैं, अग्रवाल जी हैं और मेरे को साथ दिए हैं, मेरे साथ खड़े हैं, तो आज मैं आपसे जनता को मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा मैं रामपुर की हूँ, रामपुर में रहूंगी और सत्य में जयते सत्य हमेशा जीत रहती है।